सुशील कुमार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता ने खेल को नई बुलंदियों तक पहुंचाया और प्रेरणादायी विरासत तैयार की। पापरोला गांव का ये पहलवान इस खेल में अब तक भारत का एकमात्र विश्व चैंपियन है। वो एकमात्र भारतीय ऐसा खिलाड़ी है जिसके नाम पर 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक दर्ज। हालांकि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI अब चिंतित है कि सालों में सुशील अन्य पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से खेल की जो प्रतिष्ठा बनाई है उसे नुकसान पहुंचा है। दरअसल WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर ने कहा, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि इससे भारतीय कुश्ती की छवि को बेहद नुकसान पहुंचा है, लेकिन पहलवान मैट से बाहर क्या करता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम मैट पर उनके प्रदर्शन को लेकर चिंतित है। बता दें कि पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस 4 मई को हुए एक झड़प के सिलसिले में सुशील की भूमिका का पता लगा रही है। छत्रसाल स्टेडियम से बाहर हुई झड़प में 23 साल के सागर राणा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में सुशील कुमार और उनके साथियों का नाम सामने आया है। सुशील कुमार जब अपने खेल के शीर्ष स्तर पर थे तो उन्होंने अकेले दम पर भारतीय कुश्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन अब जब पुलिस हत्या के मामले में उनकी तलाश कर रही है तो खेल की छवि को उतना ही नुकसान पहुंचा है जितना इस पहलवान की छवि को पहुंचा है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सुशील कुमार कुछ ऐसा करेंगे इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी। हालांकि जिस तरीके के सबूत यहाँ पर पुलिस को मिल रहे हैं और जिस तरीके की CCTV फुटेज सामने आई है उस लिहाज से लगता है कि यहाँ पर सुशील कुमार के लिए आने वाले दिन सही नहीं बीतने वाले और आने वाले दिनों में सुशील कुमार के लिए चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल ही होती नजर आएंगी। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।